अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन जिला अध्यक्ष अभिषेक गुप्ता जी द्वारा लॉकडाउन के चलते गरीबों को भोजन और पानी और शासन व्यवस्था की, जरूरतमंद लोगों को रुपए देने की व्यवस्था की। और आइए जानते हैं कि अभिषेक गुप्ता ने क्या कुछ कहा। लॉकडाउन 22 मार्च से लगा था जैसा कि सबको पता है, और उसी दिन से और आज का दिन है जितने भी जरूरतमंद आ रहे हैं और हमको पता चल रहा है या फोन से जो हमारे जानने वाले हैं हमको बताते हैं कि कोई जरूरतमंद मोहल्ले में है। हमने भी कह रखा है अपने लोगों से, जो भी आपके आस पड़ोस में जरूरतमंद है हमें बता दे, हम उसके लिए राशन या जो भी जरूरत संबंधी होगा हम उसके लिए पहुंचा देंगे। और यह कार्यक्रम बराबर चल रहा है और हम सभी और हमारी टीम के जितने भी लोग हैं इस काम में लगे हुए हैं, और जहां तक जो भी हमसे बन सकता है हम पूरी मदद करेंगे सभी की, और आगे जब तक लॉकडाउन है और आगे सबके लिए खड़े हुए हैं। अच्छा, ये व्यापारियों कुछ परेशान हैं, जैसे आपको देखते हैं कि जैसे लॉकडाउन के तहत चल रहा है, कुछ कपड़ा व्यापारी है या सराफा व्यापारी है, फर्नीचर व्यापारी है, इनका कहना है कि कुछ दुकानें खुल रही हैं, कुछ नहीं खुल रही हैं, या क्या है इसमें शासन या प्रशासन से आपका क्या कहना है, इसके लिए आप क्या कह सकते हैं कि कैसा नियम होना चाहिए? देखिए, इसमें जितने भी कपड़ा व्यापारी हो, चाहे जूता व्यापारी हो, चाहे परचून के दुकानदार हो, कहीं ना कहीं सबका एक बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ ही है लॉकडाउन में। और चाहे हलवाई हो, चाहे गेस्ट हाउस वाले हो, और चाहे फर्नीचर वाले भी हो, सभी का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी, आप भी समझते हैं। और नियम क्या होने चाहिए ये प्रशासन तय कर रहा है, कुछ हद तक ठीक भी कर रहा है। देखा जाए तो जो बीमारी महामारी है ये बहुत ही बड़ी महामारी है, इसमें प्रशासन अपने विवेक से काम ले रहा है, और जो भी नियम आ रहे हैं, गाइडलाइंस आ रही हैं, जनता के हक में है, व्यापारियों के हक में है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों का नुकसान तो खैर हो रहा है। हम यही चाहेंगे प्रशासन से कि व्यापारियों के लिए ज़्यादा सख्ती ना बरती जाए, उनको एक ऐसे सिस्टम से दुकानें खोलने का नियम दिया जाए जिससे उनको कोई परेशानी ना हो और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम ना आए उनको। उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता की रिपोर्ट।